के क्लास है ग्रैप्टोलाइट के बारे में. ओके, ये एक इम्पोर्टेंट पैलियोजोइक स्पेसीज है. इंडेक्स फॉसिल के रूप में हमें एप्लीकेशन ऑफ पैलियोक्लाइमेटोलॉजी में काम में आता है डेफिनेटली. सो एग्जाम के लिए क्वेश्चन तो इतना नहीं आता है, लेकिन इम्पोर्टेंट है जब हम फर्दर स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे, तो डेफिनेटली हमें बहुत काम में आने वाला है ग्राफ्टोलाइट. ये एक इंडेक्स फॉसिल है किसका दोस्तों? पैलियोजोइक का. तो डेफिनेटली इसका कुछ पॉइंट लिख लेते हैं. ये किंगडम क्या है दोस्तों? किंगडम इसका दोस्तों एनिमलिया किंगडम से ये बिलोंग करता है. ओके, एनिमलिया किंगडम को ये बिलोंग करता है. ओके, देन क्या है इसका फाइलम क्या है दोस्तों? फाइलम है उसका हेमिकोर्डाटा. ओके, देन इसका दोस्तों क्या है क्लास? क्लास क्या है दोस्तों? ये थोड़ा लिख लीजिए. क्लास है पेट्रोब्रांचिया. ओके, उसके बाद दोस्तों क्या है उसका सब क्लास क्या है दोस्तों? ओके, सब क्लास उसका दोस्तों ग्राप्टोलिथीना. ओके, ग्राप्टोलिथीना. ओके, तो यही है दोस्तों उसका मतलब किंगडम क्या है उसका? एनिमलिया किंगडम, फाइलम हेमिकोर्डाटा, क्लास क्या है पेट्रोब्रांचिया, सब क्लास क्या है ग्राप्टोलिथीना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेराइन फॉसिल है दोस्तों. तो ग्राप्टोलाइट जो आपको वर्ड दिख रहा है, ये वर्ड कहाँ से लाया गया है दोस्तों? ग्राप्टोलिथस से. ओके, ग्राप्टो क्या है? लाइट. ये जो वर्ड है दोस्तों कौन सा वर्ड से मतलब कि लाया गया है? ये है ग्राप्टोलिथस. ग्राप्टोलिथस का मतलब क्या है दोस्तों? इसको हम दो भागों में ये वर्ड को हम ब्रेक कर लेते हैं. ग्राप्टो का मीन्स क्या है? रिटेन, समथिंग रिटेन. ओके, लिथस का मतलब क्या है दोस्तों? लिथस का मतलब रॉक. मतलब कि ग्राप्टोलाइट आर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ समथिंग रिटेन ओवर द रॉक. यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ भी अगर रॉक के ऊपर लिखने जैसा, डॉक्टर जैसे प्रेस्क्राइब करते हैं ऐसे 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 ऐसे. ओके, ऐसा कुछ लिखने जैसा यहाँ पे नहीं दिख रहा है. यही है दोस्तों ये ग्राफ्ट. ये कोई मैनमेड नहीं है, ये आर्टिफिशियल नहीं है दोस्तों. ये नेचुरली फॉसिल के द्वारा, वो फॉसिल का नाम है ग्राफ्टोलाइट के द्वारा यहाँ पे ऐसे ही इंप्रेशन छोड़ा गया है. तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्टोलाइट दोस्तों. ओके, एक मेराइन, टोटली एक्सक्लूसिवली मेराइन. ओके, एक्सक्लूसिवली मेराइन. ओके, तो हम कभी भी अगर ग्राफ्टोलाइट को देखते हैं तो डेफिनेटली ग्राफ्टोलाइट के बारे में इतना तो हमें एनवायरमेंटल आइडिया हो जाएगा कि कहीं पे भी ग्राफ्टोलाइट हो, किसी भी रॉक के ऊपर ग्राफ्टोलाइट हो, तो हम डायरेक्टली इंडिकेट क्या कर सकते हैं दोस्तों? ये रॉक, दिस रॉक इज बिलोंग्स टू मेराइन एनवायरमेंट. ओके, एक्सक्लूसिवली मेराइन फॉसिल, मेराइन एनवायरमेंट. ओके, इसी ये रॉक कहाँ पे डेवलप हुआ था दोस्तों? मेराइन पे. ओके, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड जियोग्राफिकल, लार्ज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था जब भी ये था. ओके, ऑब्वियसली पैलियोजोइक पे ये था, तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है दोस्तों. वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब लार्ज जियोग्राफिकल, सब में आपको मिलेगा उसी पैलियोजोइक रॉक में. ये टोटली वर्ल्ड वाइड में आपको कॉमनली मिल जाता है, इसीलिए इसका पढ़ना जरूरी है. ओके, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इन ए शॉर्ट जियोलॉजिकल रेंज, इन ए शॉर्ट जियोलॉजिकल रेंज. उसका जियोलॉजिकल रेंज कौन सा है दोस्तों? ओडोविशियन, ओडोविशियन एंड सिलूरियन. ओके, इसका जियोलॉजिकल रेंज क्या है दोस्तों? ओडोविशियन एंड सिलूरियन. यहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे मतलब कि बहुत ही हाईली डेवलप हुआ था. मिडिल ओडोविशियन में ये हाईली ग्रेट डेवलप हुआ था. ओडोविशियन जो एंड स्टेज ऑफ ओडोविशियन एक आइस एज आ गया था, तो आइस एज में ये थोड़ा मतलब कि बहुत सारे फॉसिल इसका एक्सटेंड करके उसके बाद सिलूरियन में कुछ अच्छे से डेवलप हुआ. सिलूरियन के बाद उसका डेवलपमेंट बहुत ही रुक गया. तो डेफिनेटली इसी ये जो टाइम पीरियड में ना ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था दोस्तों. ये एक स्मॉल जियोलॉजिकल टाइम रेंज है. ओके, द ग्राप्टोलाइट डेवलप, ग्राप्टोलाइट डेवलप इन वाइड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, डेवलप इन शॉर्ट जियोलॉजिकल रेंज, विथ वाइड एरियल डिस्ट्रीब्यूशन, वाइड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, विथ वाइड जियोग्राफिकल
डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो ग्राप्टोलाइट यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक शॉर्ट जियोलॉजिकल रेंज, कौन सा रेंज दोस्तों, डेवोनियन सिलूरियन वाला रेंज को ही ये लिया है। उसके बाद दोस्तों उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन था उसी टाइम पे बहुत वाइड एरिया, तो ये सो दिस वाई वी कॉल्ड ग्राप्टोलाइट इज ए गुड इंडेक्स फॉसिल, दिस इज ए गुड इंडेक्स फॉसिल। ओके, सो कभी भी आपको ग्राप्टोलाइट दिख रहा है तो डेफिनेटली वो क्या क्या आप इंडिकेट कर सकते हैं उसका पालियो एनवायरमेंट के बारे में, दो चीज़ आप तो डायरेक्टली इंडिकेट करें, वो एक मेराइन फॉसिल है। ओके, मतलब ये रॉक कहीं पे भी उसके ऊपर अगर रिटर्न फॉर्म में फॉसिल आपको मिल रहा है तो डायरेक्टली वो ग्राप्टोलाइट है। ग्राप्टोलाइट देख के आप उसी रॉक को बोल सकते हैं ये मेराइन एनवायरमेंट है। और उसी मेराइन रॉक कब डेवलप हुआ था दोस्तों, पालियोजोइक टाइम का, जो ऑर्डोविसियन डिवोनियन टाइम हो सकता है। ओके, उसका एज, रिलेटिव एज आपको मिल गया है यहाँ पे। ओके, क्या है रिलेटिव एज, क्या है दोस्तों, पालियोजोइक, पालियोजोइक मतलब रॉक डिटरमिन, रॉक का एज डिटरमिनेशन में भी, रिलेटिव एज डिटरमिनेशन भी ये बहुत ही मदद करता है। ओके, एनवायरमेंट, मेराइन एनवायरमेंट, ओके, इसी में भी ये हमें बहुत ही मदद करता है। ओके, क्या हुआ था दोस्तों, जब एंड पार्ट ऑफ ऑर्डोविसियन, ये कब डेवलप, बहुत ही पीक था इसका, जो आक्मेजोन हम बोलते हैं दोस्तों, मिडिल ऑर्डोविसियन, ऑर्डोविसियन, मिडिल ऑर्डोविसियन में ये कहाँ था, बहुत पीक डेवलप हुआ था दोस्तों मिडिल ऑर्डोविसियन में। लेकिन उसके बाद क्या हो गया था दोस्तों, उसके बाद जब एंड स्टेज ऑफ ऑर्डोविसियन आ गया, ऑर्डोविसियन एंड, एंड ऑफ ऑर्डोविसियन, ऑर्डोविसियन क्या हुआ था दोस्तों कि एक आइस एज आ गया दोस्तों, आइस एज, आइस एज के वजह से बहुत सारे फॉसिल यहाँ पे जो हमारा ग्राप्टोलाइट थे वो डिस्ट्रॉय होने लग गए। तो लेकिन बहुत अबाउट 90% ग्राप्टोलाइट डिस्ट्रॉयड उस टाइम। ओके, उसके बाद, उसके बाद सिलूरियन टाइम आया, सिलूरियन में बहुत सारे कम बच गए। ओके, तो उसका पीक पीरियड कौन सा था दोस्तों, मिडिल ऑर्डोविसियन, मिडिल ऑर्डोविसियन में आपको पीक डेवलपमेंट दिखेगा किसका, ना हमारा ग्राप्टोलाइट का, ग्राप्टोलाइट पीक, ग्राप्टोलाइट पीक। ओके, ग्राप्टोलाइट एक पीक पोजिशन में था, लेकिन जब टाइम बढ़ता गया, एंड स्टेज ऑफ ऑर्डोविसियन आ गया, एक आइस एज हुआ, आइस एज के कारण 90% ग्राप्टोलाइट एक्सटिंक्ट, ओके, एक्सटिंक्ट हो गए थे दोस्तों। ओके, तो ये जनरली इसका जो रॉक आप देख रहे हैं, ये जनरली हमें कौन सा एरिया पे मिलता है, ये मिलता है हमें मोड रॉक। ओके, कहीं पे अगर मोड मिल रहा है, ओके, कहीं पे हमें सेल रॉक मिल रहा है उस, ओके, इसी एरिया पे ही आपको ये फॉसिल मिलेंगे। तो ग्राप्टोलाइट आर फाउंड इन जनरली मोड एंड सेल रॉक। तो फिर से हमें और एक डाटा मिल गया, तो कौन सा एनवायरनमेंट में मिल, मोड एंड सेल रॉक एक लो एनर्जी एनवायरनमेंट में बनते हैं दोस्तों, लो एनर्जी एनवायरनमेंट, जहाँ पे इतना टर्बिडिटी एक्टिविटी बहुत ही, मतलब कि थोड़ा सा कम रहता है, और वहाँ पे जहाँ पे सैंड का परसेंटेज ज़्यादा रहता है तो वहाँ पे क्या होता है कि बहुत ही हाईली स्टॉर्म एनवायरनमेंट, स्टॉर्म एनवायरनमेंट हो जाता है। लेकिन अगर आप डीप मेराइन पे जाएंगे थोड़ा, जहाँ पे इतना स्टॉर्म एक्टिविटी नहीं होता है, ओके, वहाँ पे जनरली मोड स्टेल सेल क्ले डिपोजिट रहता है, उसी एनवायरनमेंट में ही आपको क्या मिलेगा कि ग्राप्टोलाइट मिलेगा, एक लो एनर्जी कंडीशन एनवायरनमेंट। ओके, तो ये मोड एंड सेल, इसी रॉक को हम क्या बोलते हैं, आर्जिलासियस रॉक। सो दिस फॉसिल आर एक्सक्लूसिवली मेराइन आर्जिलासियस रॉक, एक्सक्लूसिवली, हमें पता है ये मेराइन में मिलता है, एक्सक्लूसिवली मेराइन, ओके, मेराइन आर्जिलासियस, आर्जिलासियस फॉसिल। ओके, जो भी मेराइन का आर्जिलासियस पार्ट में मिल रहा है जो फॉसिल, उसी को क्या बोलते हैं, मेराइन आर्जिलासियस फॉसिल। ओके, तो डेफिनेटली ये फॉसिल क्या इंडिकेट करता है, एक लो एनर्जी एनवायरनमेंट। लो एनर्जी क्यों, क्योंकि आर्जिलासियस रॉक लो एनर्जी कंडीशन में बन पाते हैं। ओके, तो डेफिनेटली ये थोड़ा ग्रेट डेप्थ में आपको मिल जाएगा क्योंकि लो एनर्जी है। ओके, ग्रेट डेप्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन डेफिशिएंट रहता है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट एनवायरनमेंट में भी, क्योंकि आप जितना डेप्थ जाओगे ऑक्सीजन का जो मतलब अमाउंट होता है डेप्थ वाइज घटता जाता है। और ये क्या होता है कि ये जो फॉसिल है स्मॉल सेल थोड़ा डेप्थ एनवायरनमेंट में भी तैयार होता है, तो डेफिनेटली जहाँ पे तैयार होता है तो वहाँ पे थोड़ा सन रे पेनिट्रेट कर नहीं पाता, वहाँ पे एल्गी फल भी इतना डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इतना ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ओके, तो ये बहुत ही कम ऑक्सीजन में भी ये आराम से अपना मतलब कि बचाव कर सकता है।
तो इसका खासियत यही है दोस्तों। तो ये कहाँ मिलता है दोस्तों, मेराइन मेराइन आर्जिलासियस रॉक पे, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना। ओके देन दोस्तों क्या है, हमें ये पढ़ना है कि ये बहुत बेंथिक एंड मतलब कि प्लांकटिक वेराइटी है। दिस फॉसिल बहुत बहुत बेंथिक, ओके बेंथिक एंड प्लांकटिक। प्लांकटिक इसका मतलब क्या है दोस्तों, ये फॉसिल जो है जमीन के साथ मतलब कि मेराइन सी फ्लोर पे मतलब कि बहुत इतना हाइट पे नहीं रहता है, पूरा बेसमेंट पे ही रहता है। मेराइन सी फ्लोर के जो बेंथिक फॉसिल होते हैं पूरा बेसमेंट में ही लगा होकर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ओके तो इसको हम बेंथिक हैबिटेंट बोलते हैं। कुछ प्लांटिक होते हैं जो कि फ्रीली मूवमेंट कर पाने वाला फॉसिल है, लेकिन ये दोनों वेराइटी आपको ग्राप्टोलाइट में मिल जाते हैं। बहुत क्या क्या, बेंथिक वेराइटी एंड प्लांटिक, ये दोस्तों फ्री मूविंग है। ओके और ये जनरली दोस्तों जो बेंथिक मतलब कि आपको मिल रहा है क्या, ग्राप्टोलाइट, ये क्या है कि बहुत सारे अच्छे कॉलोनी बना के ये रह पाता है। ओके अब हम इसका डिस्कशन करेंगे क्या, कि हम इसका डिस्कशन करेंगे दोस्तों मॉर्फोलॉजी के बारे में, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। ओके मॉर्फोलॉजी क्या है दोस्तों, एक स्टीपे होता है यहाँ पे, स्टीपे ये इसका दोस्तों मेन मॉर्फोलॉजी। स्टीपे का मतलब क्या है, ऐसे एक रोड लाइक स्ट्रक्चर है दोस्तों। ओके ऐसे एक आपको रोड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीपे बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट, आप देख सकते हैं ये वाला, यहाँ से ही सब बॉडी अटैच है। ये दोस्तों है स्टीपे हमारा, दिखता नहीं है आपको, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ से ही बॉडी उसका स्टार्ट हुआ है, ये देखिए, ये देखिए। ओके ये इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टीपे। ओके दिस इज स्टीपे। ओके इसका एक दूसरा भी नाम है, उसको हम बोलते हैं पेरिडोम, पेरिडोम। ओके तो ये तो पहला हो गया स्टीपे, दिस इज द रोड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज द मेन पार्ट व्हिच होल्ड द होल ग्राप्टोलाइट। ये क्या है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सब ग्राप्टोलाइट को ये पकड़ के ही रखता है। ओके ठीक है, स्टीपे के साइड आपको देखने को मिल रहा है, ये देख, ये एक कॉप लाइक स्ट्रक्चर है। ओके ये एक कॉप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ एंड हुआ है, यहाँ से यहाँ एंड हुआ है, यहाँ से यहाँ। ओके ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे एक कॉप लाइक स्ट्रक्चर है ये। ओके ये लास्ट कॉप था। ओके तो ये कॉप लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थेका बोलते हैं, थेका। ओके थेका बोलते हैं, तो यहाँ पे उसको हम ड्रॉ करते हैं। ओके तो ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये कॉप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। ओके तो इसी कॉप में यहाँ पे आपको एक मतलब कि छोटा छोटा होल देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। ओके उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो कॉप लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल गया, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थेका। तो दीज आर दी थेका, THECA, थेका। ओके उसके बाद इसी थेका के ऊपर देखिए आपको एक मतलब छोटा छोटा ये पॉइंट दिख रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, थेका अपर्चर। ओके थेका का अपर्चर है, अपर्चर। ओके ये जो अपर्चर है ये क्या काम में आता है दोस्तों, ये जो बाहर एक्सटर्नल वाटर है, ये एक्सटर्नल वाटर को ये इनसाइड जाने के लिए मतलब कि आसानी कर देता है। ये यहाँ पे जो होल होते हैं यहाँ, इसके साथ ही हमारे जो मेराइन वाटर है यहाँ से बॉडी तक अंदर जा सकते हैं वहाँ, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट, प्रोटीन, मिनरल्स इस बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दिस अपर्चर इज द कनेक्शन बिटवीन द एक्सटर्नल वाटर वाटर टू द इनसाइड ऑफ द बॉडी। ओके तो यहाँ से बाहर से कुछ भी हो तो इसी अपर्चर के द्वारा ही ये बॉडी तक जा पाता है, तो इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या बोला हम आपको, स्टीपे, पेरिडम, सेकंड में क्या बोला दोस्तों, थेका, थेका के ऊपर क्या है दोस्तों, अपर्चर, तीन नंबर पे। ओके तो जहाँ पे आपको थेका देखने को मिल रहा है, जिस साइड पे आपको थेका देखने को मिल रहा है, तो उसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं, दिस इज वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड। ओके और जहां पे आपको थेका देखने को नहीं मिल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डोर्सल साइड। क्या बताया आपको, जहां पे आपको ये थेका देखने को मिल रहा है, ये थेका आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। जहां पे थेका आपको देखने को नहीं मिल रहा है ये साइड को हम डोर्सल साइड दोस्तों बोलते हैं। ओके तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे एंड हो गया, ये यहाँ पे जहाँ पे लास्ट थेका एंड हो रहा है, ये देखिए लास्ट थेका एंड हो रहा है,
यहाँ पे कॉनिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे ये देखिए लास्ट पार्ट, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारे कॉनिकल शेप, ओके। ये जो कॉनिकल शेप को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, सिकुला, ओके। ये क्या है दोस्तों, सिकुला, सिकुला, सिकुला का मतलब क्या है, दिस इज द कोन लाइक स्ट्रक्चर, ओके, कोन लाइक स्ट्रक्चर। तो सिकुला जिस तरफ भी है, ओके, तो इसी एंड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोक्सीमल एंड। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोक्सीमल एंड, ओके। सिकुला जिस तरफ भी है उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोक्सीमल एंड। और जिस तरफ आपका मतलब क्या है, वो माउथ है, उसको हम यहाँ पे तो दिखेगा नहीं माउथ आपका, डिस्टल एंड बोल के बोलते हैं। दो एंड है इसका, प्रोक्सीमल, ओके, प्रोक्सीमल, और दूसरा क्या है, डिस्टल। डिस्टल ये कहाँ पे, ये माउथ की तरफ है दोस्तों, ओके। ये कहाँ पे है, सिकुला की तरफ है, सिकुला, ओके। सिकुला की तरफ क्या है दोस्तों, प्रोक्सीमल एंड, और माउथ की तरफ क्या है दोस्तों, डिस्टल एंड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिकुला। ये जो सिकुला है, इस सिकुला में कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। यहाँ पे कुछ आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, इसी को हम दोस्तों नेमा बोलते हैं, ओके। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम नेमा बोलते हैं, नेमा। तो नेमा क्या है दोस्तों, दीज आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन सिकुला, ओके। नेमा क्या है दोस्तों, दीज आर दी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन सिकुला, ओके। आपको ये बताया, प्रोक्सीमल एंड क्या है, जहाँ पे सिकुला रहता है, डिस्टल एंड कहाँ है, जहाँ पे माउथ रहता है, ओके। सिकुला क्या है, जहाँ पे एंड पार्ट ऑफ व्हाट ग्राफ्टोलाइट रहता है, ओके। और जो नेमा क्या है दोस्तों, वो जस्ट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। आपको यहाँ पे चार पॉइंट के बारे में बताया। देन हम दोस्तों अभी आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते हैं, ओके। देन यही है दोस्तों आपका, आप देख सकते हैं, इसको हम थेका बोलते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर दी थेका, दिस इज द स्टीपे, ओके। दीज आर दी थेका, ओके, दिस इज स्टीपे। तो यहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिए, ओके। सिकुला प्लस नेमा प्लस स्टीपे, तो ये देखिए आपका लास्ट पार्ट ऑफ मतलब कि ग्राफ्टोलाइट को हम क्या बोलते थे, सिकुला। उसके बाद नेमा, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम नेमा बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोस्तों आपका आपका थेकम आ जाता है, लेकिन यहाँ पे थेकम को कंसीडर नहीं करेंगे हमें। किसको किसको कंसीडर करना है, ये सिकुला को, ये नेमा को, प्लस ये रॉड को, ओके। तो इस और रॉड को क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टीपे, स्टीपे। ये तीनों क्या फॉर्मेशन करते हैं दोस्तों, भिरगुला, भिरगुला, ओके। तो ये तीनों क्या फॉर्मेशन करते हैं, सिकुला, नेमा प्लस स्टीपे टुगेदरली कॉन्स्टिट्यूट व्हाट, भिरगुला, वी आई आर जी यू एल ए, भिरगुला। इस पॉइंट को थोड़ा याद रख लीजिए, ओके। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्या है कि दोस्तों, ये जो आप मतलब कि ग्राफ्टोलाइट देख रहे हैं, ये बहुत ही कॉलोनियल करके रहता है, सब मिलके रहते हैं। ये एक मतलब कि आप, ये एक स्टीपे, ये एक स्टीपे, ये एक स्टीपे, बहुत सारे मिलके रहते हैं दोस्तों। ये इस बहुत ही रेंडमली मिलते रहते हैं, ओके। तो ये जो मतलब कि एक्सोस्केलेटन, ग्रुप ऑफ एक्सोस्केलेटन, और ये टोटल कॉलोनी, ये कॉलोनी जैसा है ना, सब मिलके यहाँ पे रह रहे हैं। ये कॉलोनी को क्या बोलते हैं दोस्तों, ये इस कॉलोनी को हम राब्डोजोम बोलते हैं, ओके। राब्डोजोम, ओके। राब्डोजोम दोस्तों क्या है कि जब ग्राफ्टोलाइट का जो एक्सोस्केलेटन है, ये बहुत ही मतलब ग्रुप कॉलोनी करके यहाँ पे जो रहते हैं, इसी को हम क्या करते हैं, एक साथ 10, 12, 15,000, 20,000, बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि कोरल पे मिलते थे, कोरल पे कोरोलियम जैसे कि होता था, मतलब सब मिलके जैसे रहते थे, यहाँ पे भी दोस्तों ये इसका एक्सोस्केलेटन पूरा मिलके ही रहते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, राब्डोजोम। राब्डोजोम मीन्स द कॉलोनी ऑफ ग्राफ्टोलाइट एक्सोस्केलेटन, द कॉलोनी, कॉलोनी ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ ग्राफ्टोलाइट, द कॉलोनी ऑफ ग्राफ्टोलाइट एक्सोस्केलेटन, ओके,
एक्सोस्केलेटन, ओके, द कॉलोनी ऑफ ग्राफ्टोलाइट एक्सोस्केलेटन, इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं राहब्डोजोम। इसी राहब्डोजोम में क्या होता है कि इंटरकनेक्शन तो होगा ही, इसी राहब्डोजोम में क्या होता है कि इंटरकनेक्शन होगा। ओके, यहाँ पे बार होता है दोस्तों, इंटरकनेक्शन के लिए बार होता है। ओके, यहाँ से यहाँ तक बार होता है, यहाँ से एंगुलर भी हो सकता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, वर्टिकल भी हो सकता है। ओके, ये बार के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। ओके, तो इसी बार को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिसेपिमेंट। इसी बार लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, डिसेपिमेंट, DISSEPI, डिसेपिमेंट। ओके, द बार व्हिच कनेक्ट द एडजेसेंट स्टिपे इनटू द राहब्डोजोम, द बार, डिसेपिमेंट का मतलब क्या है, द बार व्हिच कनेक्ट द मीन्स द एडजेसेंट स्टिपे, एडजेसेंट स्टिपे। यहाँ पे आप बार देख सकते हैं, ये एक मतलब कि स्टिपे ही, ये स्टिपे। ओके, ये देखिए दोस्तों, बार, ये जो बार को क्या बोलते हैं दोस्तों, डिसेपिमेंट। ये बार को क्या बोलते हैं दोस्तों, हम बोलते हैं इसको, हम डिसेपिमेंट बोलते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ओके, देन चलिए दोस्तों आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये यूनिसेरियल भी कभी कभी होता है, कभी कभी आपको वन स्टिपे और वन आपको क्या थेका मिल गया, कभी कभी वन स्टिपे टू थेका मिल गया दोस्तों। ये थेका है, ये एक थेका है, तो इसको हम बाइसेरियल बोलते हैं। कभी कभी फोर थेका मिल जाता है, कैसे, ये ऐसे क्रॉस, यहाँ पे एक थेका होगा, यहाँ पे एक थेका होगा, यहाँ पे एक थेका होगा, यहाँ पे एक थेका होगा। ओके, तो ऐसा ऐसा चारों डायरेक्शन में आपको थेका मिलते जाएंगे, इसी को हम टेट्रासेरियल बोलते हैं दोस्तों, टेट्रासेरियल। इसको क्या बोलते हैं, मोनोग्राफ्टोस, और व्हाट, इसको हम बोलते हैं यूनिसेरियल। ओके, यूनिसेरियल, इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बाइसेरियल, बाइसेरियल, तो यही है दोस्तों। ओके, कुछ कुछ ग्राफ्टोलाइट ऐसे भी होते हैं जैसे कि ऐसे वर्टिकल स्टिप है, एक दूसरा एक स्टिप है ये। ओके, ये ऐसे डेवलप हुआ है, ये ऐसे डेवलप हुआ है, तो ये स्टिपे कौन सा है, ये वाला पार्ट स्टिपे है। तो ये जो इन दो स्टिपे के बीच में जो एंगल तैयार होता है, इसी को क्या बोला जाता है कि एंगल ऑफ डाइवर्सन, एंगल ऑफ डाइवर्सन। ओके, इस स्टिपे को क्या बोलते हैं हम, इसी एंगल को, एंगल ऑफ डाइवर्सन। ओके, तो इसके थोड़ा ध्यान रख देना। ओके, देन ये जो एंगल ऑफ डाइवर्सन है, ऐसा अगर मतलब कि डिप्लोग्राफ्टोस, ओके, डाइडिमोग्राफ्टोस, ये सब उसका एग्जांपल है जो कि ये एंगल ऑफ डाइवर्सन दिखाते हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक कंडीशन है दोस्तों, पेंडेंट कंडीशन। ओके, और दूसरा है दोस्तों स्कैंडेंट कंडीशन। पेंडेंट कंडीशन क्या है दोस्तों, आपको एक यहाँ पे बता रहा हूँ, ये एक आपका क्या है कि स्टिपे है, ये दूसरा स्टिपे है। ओके, दो आपको स्टिपे मिल रहे हैं, तो ये स्टिपे वर्टिकली है, यहाँ पे क्या होता है कि आपका थेकम डेवलप होगा, यहाँ पे थेकम डेवलप होगा यहाँ पे थेकम डेवलप होगा। अगर थेकम का जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर ईच अदर मूव करने लग गए, मतलब ईच अदर प्रोजेक्ट करने लग गए, ये इस तरह प्रोजेक्ट है, अगर ऐसा हो गया कंडीशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, पेंडेंट कंडीशन का फर्स्ट लॉ क्या है, ये दो स्टिपे वर्टिकली डाउनवर्ड हैंगिंग डाउन टू स्टिपे वर्टिकली, ऐसे आप देखते हैं वर्टिकल स्टिप। ओके, एंड देयर, तीन नंबर का पॉइंट क्या है, थेका फेसिंग ईच अदर। ओके, दिस इज द थेका, सॉरी दिस इज द, हमारा क्या है ये दोस्तों, स्टिपे, यहाँ पे आप थेका देख सकते हैं, तो ये थेका क्या है कि अगर प्रोजेक्ट इन्वर्ट कर रहे हैं तो हम पेंडेंट कंडीशन करेंगे बोलेंगे। ओके, अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, जैसे कि ऐसा करेंगे, सपोज यहाँ पे क्या है कि हैंगिंग डाउनवर्ड नहीं है, यहाँ पे जो आपका स्टिपे है हैंगिंग अपवर्ड,
हैंगिंग अपवर्ड स्टीपे। ओके, उसके बाद दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं, ओके, ये आपका क्या है, थेकम। थेकम यहां पे डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज थेकम। ओके, हैंगिंग अपवर्ड व्हाट, स्टीपे, बोथ द स्टीपे, और यहां पे क्या है कि डाइवर्ज व्हाट, डाइवर्जन ऑफ द थेकम। थेकम, ओके, यहाँ पे जो थेकम है दोस्तों उसका अच्छे से डाइवर्जन हुआ होना चाहिए, उनका जो माउथ का, इनका जो अपर्चर, ये इस तरफ अपर्चर को दिखाएगा, ये इस तरफ दिखाएगा दोस्तों, ऐसा है। तो पेंडेंट कंडीशन समझ में आ गया, प्रोजेक्ट ईच अदर होना चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन समझ में आ गया, यहाँ पे प्रोजेक्ट डाइवर्ज होना चाहिए। ओके, तो कैसे ये पेंडेंट कंडीशन और स्टैंडर्ड कंडीशन दोस्तों फॉर्म होता है? पेंडेंट कंडीशन जनरली फॉर्मेशन कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ओके, पहले तो पेंडेंट कंडीशन हो ही गया, सपोज ओके, ये एक सीरियल है, ये एक सीरियल है, ओके, तो ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ये ऊपर उसका जो स्टीपे का मूवमेंट होने लग जाएगा। स्टीपे तो ऐसा था, अगर इसको ऐसा मूवमेंट अगर कराएंगे, इसको ऐसा मूवमेंट कराएंगे, तो डेफिनेटली स्टीपे क्या होगा, स्ट्रेट होता जाएगा। तो स्टीपे यहाँ पे दोस्तों स्ट्रेट हो गया। तो ये देखिए, ये था, इसको हम जस्ट ऐसे ले लिए तो प्रोजेक्शन भी तो ऐसा ही रहेगा ना, ये इसको यहाँ पे ऐसे ही ले लिया तो प्रोजेक्शन तो ऐसा रहेगा ना। तो सेकंड में स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है, ऐसा है, ये दोस्तों थिकम है, ये यहाँ पे टू क्या है, स्टीपे है। तो थर्ड स्टेज में क्या होता है कि इसको फिर से और मोड़ा जाएगा, इसको इस तरफ, इसको इस तरफ, तो इसको मोड़ने से ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ओके, इसको अगर हम यहाँ से मुड़ेंगे, यहाँ से फोर्स देंगे, तो ऐसे हो जाएगा, और ये जो थिकम है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे प्रोजेक्ट पहले क्या था, प्रोजेक्ट ईच अदर होते थे, लेकिन इधर प्रोजेक्शन ओके अवे फ्रॉम ईच अदर यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको शायद पेंडेंट कंडीशन क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है, बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा। ओके, डेफिनेटली अभी मैं टॉपिक को यहाँ से यहाँ पे रखता हूँ, आपको जस्ट क्या है कि बुक का रेफरेंस स्टडी करना है दोस्तों, सो देट कि आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाएगा, और कैसा कैसा क्वेश्चन आ रहा है उसके, उसको कैसे करना है, उसी के बारे में बहुत सारे डिटेल्स आपको पता लग जाएगा अगर आप बुक को अच्छे से पढ़ोगे तो। थैंक यू गाइज, ओके, आज के लिए इतना ही।